तो कैसे अपनी YouTube फैमिली गाइस सब मस्त होंगे, तो हम भी मस्त हैं आप सबकी दुआओं से। तो गाइस फिर से आज एक न्यू व्लॉग लेकर और न्यू लोकेशन के साथ और न्यू लड़की के साथ तो आज कुछ ऐसी लोकेशन के साथ शुरू हो रहा अपना व्लॉग। तो आज हम कहीं जा रहे हैं तो सोचा आपको भी नई नई जगह दिखा दें। और आज अपना जो व्लॉग शूट होगा अपने फ़ोन के साथ शूट होगा, GoPro तो लाया पर उससे शूट नहीं करेंगे हम। तो बने रहो अपने प्यारे से व्लॉग में गाइस। चांस जैसे अच्छी से ऐसी प्लेस मिलेगी तो आपको प्लेस दिखाएंगे। और यहाँ से चेक कर लो प्लेस है, तो ये अपनी बेहला वही रोड है जो बेहला पंचे ही और अपने जंत्रों धार चली जाती है। ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। और ये अपनी प्यारी सी बिल्लो रानी जो क्या कर रहे हो आप, तो चेक कर लो गाइस व्यू कितना उस समय, ये चेक कर लो। और इस पॉइंट पे जो हमने पहले वीडियो बनाई थी एक फेसबुक पे, बहुत वायरल हो चुकी है वो गाइस, बहुत जबरदस्त तरह। लड़की क्या कर रही पता नहीं। तो चलते हैं यहाँ से आगे और रोड चेक कर लो गाइस। कुछ ऐसी रोड है और बहुत ही प्यारी रोड है यार, बहुत ही जबरदस्त। अभी तक तो बहुत ही प्यारी रोड है, तो आगे देखते हैं आगे क्या बनता, आगे कैसी रोड रहती है। और पहाड़ियाँ कुछ ऐसी पहाड़ियाँ गाइस। तो हमारे जो रोड है वो एक तो पीछे वाला है जहाँ हम आए अभी थैला के लिए, तो एक रोड हमारी आगे क्योंकि वो रोड कच्ची है और उसमें रास्ते में तीन चार जगह इतना ख़राब है कि इतना दलदल है, वहाँ से गाड़ी निकलनी भी बहुत ही मुश्किल है। तो अपनी बाइक की हालत देख लो, कल हमने वहाँ से निकाली थी तो कुछ ऐसी हालत थी और बहुत ही गंदी हालत है अपनी बाइक की गाइस, बहुत ही गंदी हालत, ये चेक कर लो। तो कहीं रास्ते में पहुँचते हैं और इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे यार, उसके बाहर निकलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम पहुंच गए सियोवा में और यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ से थोड़े से पीछे जाती है रोड एंड हो जाती है, वो एक रोड ऊपर वाली साइड से आती है, एक ये वाली आती है, पीछे जाकर मिल जाती है। अपनी बाइक नीचे पार्क करके रखी हमने, तो अभी यहाँ से चलेंगे आगे। और ये चेक करो सियोवा की शॉप्स, और ये अपना सियोवा का स्कूल, काफ़ी यादें इधर बचपन की हमारी। तो गाइज अभी कुछ ऐसी लोकेशन पे पहुँचे और रेस्ट कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो गया चल चल के। और 4 साल के बाद फिर से आया हूँ, 4 साल पहले भी आया था, तब ये नहीं थी, तब भाई था साथ में, और आज नया पुरानी हमारे साथ है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। इस मनुष्य के घर हमने जाना है और ये मनुष्य सिर्फ हंसता है, ये मेरी बर्बादी में पूरे साथ था, पूरे वोटिंग मिल सकती है इसको, 24 घंटे साथ था। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, ये चेक कर लो। और हम परसों गए थे माता रानी के दर्शन करने, इस टॉप पे यहाँ पर है माता रानी का मंदिर रोशरेधार, यहाँ जैसे। तो गाइस हमारे साथ एक भुखड़ इंसान भी है, कुत्ते की तरफ बिस्कुट खा रहा है। तो ये है मासी का घर ऊपर, ये चेक कर लो, अभी पहुँच गए, अभी थोड़ा सा और बचा है, ये वाला एरिया चलना है अभी। तो ये अपनी माता रानी के जहाँ परसों गए थे इस टॉप पे, ये चेक कर लो, कुछ ऐसे नज़ारे हैं यहाँ के, ज़बरदस्त नज़ारे हैं। तो गाइस अभी हम मासी के घर पहुँच गए हैं और आज आपको दिखाएंगे एक नई चीज़, और नई चीज़ें आपने काफ़ी लोगों में देखा होगा और जिसको अपनी भदवाई भाषा में बोलते हैं सुटलोई। आज हम सुटलोई पकाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर लेना। तो गाइस अभी मटेरियल तैयार हो रहा है सुटलोई पकने के लिए और आग जल चुकी है, और ये लकड़ियाँ देख लो। तो गाइस अभी अपनी प्यारी सी बहन बना रही है सुटलोई, ये चेक कर लो। स्पीड चेक कर लो स्पीड। जिस किसी को ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं।
मेरा भगवान एम मरता हूँ हैरा सही है वा परफेक्ट है ना। तो गाइज आज हम इस गांव में आए हैं, ये चेक कर लो गांव कुछ ऐसा है। और इसके टॉप पर देख लो अपने जंत्रोंधार है। कुछ ऐसे रास्ते में अभी हम घूमने गए थे और हालत ख़राब हो गई है और अभी वापस जा रहे हैं। तो आज का कुछ ब्लॉग ऐसा था, तो कल से हम आए थे तो पूरा ब्लॉग बनाया हमने आने से और यहाँ पर जितने दिन टाइम बैठे वो सारा ब्लॉग बना लिया। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना और जो चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तो